बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज क्रेजी, और मैं आपका दोस्त मोहम्मद रानी। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेजबान उसामा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। भाई आज हम आपके लेके आए स्पेशल बन कबाब, जिसकी इजाद हुई थी कम अज कम 1952 में और लोकेशन थी बस रोड। लोगों भी फिर वो इतना मकबूल हुआ बन कबाब के लोगों, दूसरे लोगों ने भी अपने अपने इलाकों में उसको बनाना शुरू किया। तो भाई हम आपके लिए वही रेसिपी लेके आए आपके नॉर्थ कराची में, इसका एड्रेस दीजिए बताएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं कराची के मशहूर इलाके नॉर्थ कराची, यूपी पे हम लोग आए हुए मेन। हमारे बराबर में उल्टे हाथ पे जो है जियो मोबाइल मार्केट है, बहुत फेमस एरिया है। यहाँ पर हम लोग आए हुए वकील का बन कबाब एक्सप्लोर करने और ट्राई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग भी चले ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। ये बर्गर नहीं होता, ये होता है बन कबाब। इसकी यूनिक एक अलग तरीके से रेसिपी होती है, वो चेक करते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों शाम शुरू करें, आप और हम मिलकर शुरू करेंगे, लेट्स गो। अरे कितना कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यार मुझे 45 साल हो गए। 45 साल हो गए जब आपने शुरू किया था, तब कितने का कबाब था ये? कब था? 2.5 रुपए का। और आज कितने का? आज 80 रुपए का। 80 रुपए का। तो जब के जायके में और अब के जायके में कोई फर्क है? नहीं, माशाल्लाह से वही वही है जब से आप इसी जगह पे खड़े हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र। इतनी क्वांटिटी के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद तैयार होते रहते हैं यहाँ पर, और रश भी आप देखें, यहाँ लोग सब वेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये तैयार होंगे उसके बाद सब अपनी अपनी प्लेटों का वेट कर रहे हैं, और हम भी अपनी प्लेट का वेट कर रहे हैं। जल्दी से हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और अब प्लेट का इंतजार हो रहा है। प्लेट आती है तो फिर हम लोग भी ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस हम लोगों के जो है बन कबाब आ गए हैं बबलू, थोड़ा करीब करके दिखाओ। ये देखें, ये एक प्लेट के अंदर जो है 2 बन होते हैं तले हुए, और एक कबाब होता है, चटनी है, और उसके साथ जो है सलाद है। बाकी असामा हम लोगों ने 2 प्लेटें मंगवा ली और अभी ट्राई करते हैं। भाई ट्राई करो, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, सेम चीज है। इसमें कोई यूनिक चीज नहीं है कि आप अलग बताओ मैं अलग बताऊं, ऐसे कोई भी चीज नहीं है। तो हम लोग ट्राई करते हैं। ये देखें बन, ये इन्होंने इसी तेल के अंदर तला हुआ है, और ये जो है ना क्रंची हुआ ऊपर से, और अंदर से नरम है, सॉफ्ट है, गरम गरम। और ये हम लोग ट्राई करते हैं। ये उस साथ में चटनी है। अच्छा चटनी इनकी स्पाइसी नहीं है दादा, देखने में तो लग रही है कि स्पाइसी नहीं है, बाकी ट्राई करते हैं। ये देख, तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ भाई क्या कह रहा है यार, बर्गर से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ये। हाँ, और दूसरी बात है इनकी चटनी भी जो है हर किस्म का बंदा खा सकता है, जो ज्यादा मिर्चे खाता है वो भी खा सकता है, जो कम मिर्चे खाता है वो भी खा सकता है। और बन सॉफ्ट है, कबाब भी जो है अंडे के अंदर बना हुआ है, अंडा है भरपूर है। और आप ये देखें, एक इसका अलग ही जायका है, मजेदार जायका है, मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जायका बहुत अच्छा है। और हम आप ट्राई करो भाई, मैं ट्राई करने। सर ये चटनी किस चीज की बनी हुई है? भाई अभी हमने भाई से पूछा तो धनिया पुदीने की चटनी बनी होती है, स्पाइसी नहीं है। और दूसरी चीज ये मैं दिखाने से, बबलू जरा दिखाओ, ये इन्होंने सिर्फ सफेदी को अच्छी तरह फेटा हुआ है, सर्दी निकाल देते हैं, सिर्फ सफेदी होती है, इससे ये एक बहुत अच्छा टेक्सचर बन रहा है। तो भाई अब इनके बन भी जो है जैसे जीजा ने बता ही दिया है कि नरम है, तो बस ये है कि मैंने अभी कबाब नहीं लिया, अभी सिर्फ मैं सफेदी से चेक करना चाह रहा हूँ, उसके बाद कबाब का अलग से टेस्ट चेक करें कैसा है वो।
भाई ये है बाइट आपके भाई की। बिस्मिल्लाह। अंडे का फ्लेवर आ रहा है क्योंकि पीस सब्जी से खाए तो भाई अब मेरा सिर्फ कबाब। असल में दोनों चीजें अलग अलग चेक करना चाह रहा हूँ दोनों का क्या जायका है। तो भाई ये खाली लिया है मैंने कबाब, अब इसको चटनी में अच्छी तरह मिला के ये कबाब थोड़े से स्पाइसी है, लेकिन अगर आप ये सफेदी और कबाब को मिक्स करके खाएंगे ना तो वो एकदम नॉर्मल जायका हो जाता है, फिर ज्यादा मिर्चें लगती नहीं है। ऐसा ही है, दोनों को मिला के बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बहुत सारे इतने पुराने भी है जैसा भी भाई ने बताया भी, भाई यहाँ ये चक्कर है, ये जो है ना पैसों के लिए बोलते नहीं कि पैसे दो भाई, जो देना दे जाते हैं। अब जो भी खाता है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जिसने खाया उसको पता होता है मैंने कितने जो है बन खाया और कितने जो है कबाब खाए। वो कुछ जाते हैं खाने के बाद भाई के पास जाते हैं, मेरा जो है ये हिसाब है वो हिसाब बता देते, पैसे ले लेते हैं, हाथ बढ़ा के किसी से पैसे नहीं मांगते। यहाँ की चीज अच्छी है, यहाँ के लोगों ने ऑनेस्ट रिव्यू दिए यहाँ पर और पुराने बेटे में इतने साल तक माशाल्लाह सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है इनके पास जायका भी है और इख्लाक क्वालिटी भी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है दुकानदार के पास आप खाना पहले खाते पहले उससे बात करते हैं, बाद में इख्लाक सबसे पहले आता है। इख्लाक अच्छा है तो भाई हर चीज अच्छी होती है, इख्लाक सबसे अहम चीज है। और माशाल्लाह इनके पास जायका भी है इख्लाक भी है। तो आप एक बार जरूर आगे विजिट करें, यहाँ डाइनिंग का कोई खास इंतजाम नहीं है, आप देखा सर्वाइव कर सकते हैं, आए फैमिली को इंतजाम नहीं है, लेकिन एक आएंगे आपको जरा सा थोड़ी सी परेशानी तो होगी हाँ। लेकिन आपको जायका बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ आपको खड़े होके यही खड़े होके आपको जो है डाइनिंग नहीं है इनकी कोई, यही खड़े होके आपको लाइन में लग के खाना पड़ेगा। और यहाँ खड़े होके खाने का एक अलग ही यूनिक जायका है। अच्छा मैं रेट बता दे, चलो सा रेट मैं बता दूं तो रेट इनके जो है इस प्लेट के रेट है 80 रुपए। 80 रुपए के अंदर जो है दो बन है, एक कबाब है, बाकी चटनी और सैलेड है। ये है कि बंदा एक प्लेट खाता है बंदे का पेट भर जाता है, और दो प्लेट खाएंगे तो फिर आप तो ओवरलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय बताइएगा कि यहाँ पर जो है वकील का बन कबाब कौन कौन खा के गया है और कौन कौन जानता है यहाँ की एड्रेस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।